Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Welcome to the virtual session of maths for class 5th, chapter number 3, multiplication and division. Children, in our previous video we have done exercise 3.1. I hope you practiced all the questions of that exercise. Now today we will do exercise 3.1 of this chapter. It is division. So what is division? Division means divide. Divide karna. Okay? Or we can say that multiple time of subtraction of a same number. Kisi bhi number ka multiple time. For example, if I have 16 toffees. Okay? एंड आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट और मैं इसे बांटना चाहती हूँ टू ईच, दो दो हर किसी को. तो मुझे ये पता लगाना है कि ये 16 टॉफीज कितने बच्चों को मैं बांट सकती हूँ. तो व्हाट विल आई डू, मुझे कितनी टॉफीज बांटनी है, एक को टू. ओके, या तो हम ये कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट बच्चे को टू दिया, टू टॉफीज दी. ओके, देन कितना बचता है हमारे पास, 14 टॉफीज. देन 14 माइनस टू, फिर मैंने सेकेंड बच्चे को टू टॉफीज दी, देन आई गेट, नाउ मेरे पास 12 बचती हैं. ओके, देन 12 टॉफीज मेरे पास हैं. देन थर्ड बच्चे को हम टू टॉफीज देते हैं, देन अब मेरे पास सिर्फ 10 बची हैं. इस तरह से हम दो दो बच्चों को, दो दो टॉफीज हर बच्चे को देते जाएंगे. ओके, 8 टॉफीज बचती हैं. देन आई गेन, सो एंड लास्ट इज दिस. नाउ टॉफीज आर फिनिश्ड, टॉफी फिनिश हो गई. अब हमें कितने बच्चों को बांटी है टॉफीज, सो वी विल काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बच्चों को मैंने टॉफीज बांटी. ओके, ये तो थे हमारे, जब हमारा जो नंबर है वो छोटा है. ओके, अगर ये बड़ा नंबर हो देन हाउ वी विल डिवाइड, हम डिवाइड कैसे करेंगे इसको. हम इतनी टाइम्स मल्टीपल टाइम्स माइनस तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज वो मेथड बहुत लंबा पड़ जाएगा. तो इसके लिए शॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं, 16 टॉफीज को हमें बांटना है टू ईच. ओके, तो हम पता लगाएंगे कि कितने बच्चों तक ये बटी. तो अब क्या करेंगे, 16 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16. ओके, नाउ योर आंसर इज 8. हमें इतने लंबे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टूड, वेन एवर वी नीड टू डिवाइड एनी नंबर, जब भी हमें किसी भी नंबर को बांटना है तो हम क्या करेंगे, डिविजन. अंडरस्टूड. Now first question is solve the following. First question I am taking 225 divided by 15. 225 को हमें 15 से divide करना है. 225 15. Now how many digits are there, 2. यहाँ 2 digits हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को. First we will take 2 digits, क्योंकि 2 is smaller than 15. Two smaller 15 से. That's why we have to take one more digit. 22 हो गई, 22 is greater than 15. आपका कोई भी बड़ा नंबर ही डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हमेशा आपका नंबर बड़ा होना चाहिए. ओके, देन आई एम टेकिंग 22 फर्स्ट. 15 वन जर 15 एंड 15 टू जर इज 30, विच इज 30 इज ग्रेटर देन 22. तो ये इसे डिवाइड नहीं हो सकता, सो वी विल गो फॉर वन टाइम. हम वन टाइम के लिए जाएंगे. 15 वन जर 15. नाउ यू कैन नोटिस हियर दैट आई एम राइटिंग क्वेश्चन हियर, आई हैव रिटन क्वेश्चन हियर, यहाँ पे लिखा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया. व्हाई, बिकॉज आवर नंबर इज फिनिश हियर, हमारा नंबर जो है वो फिनिश हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो आपको कहाँ पर करना है, ये जहाँ आपका नंबर फिनिश होता है उसी के ऊपर से आप लिखना स्टार्ट करेंगे. Now, 2 minus 5 is not possible.
borrow 1 from here. It is 1. Now 12 minus 5 is 7. 1 minus 1 is 0. Next step is 7 is smaller than 15. So it can't be divided by 15. Nahi kiya ja sakta. Then we will note down next number 5. It is now 75. 15 5 za is 75. 15 5 za 75 hai. Kaise aap dekhen? 15 under 15, 15 under 30, 15 3 za 45. 15 4 za 60. 15 5 za 75. यहाँ आपका 75 नंबर आ जाता है, ठीक है? ये इसके इक्वल है. इट कैन बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर. ये नंबर से डिवाइड हो सकता है, सेम नंबर डिवाइड हो सकते हैं. 15 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. 15 फाइव ज़ा इज 75. नाउ सब्ट्रैक्टेड यू विल गेट 0. अंडरस्टूड? नाउ रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ आवर क्वेश्चन. ये क्या है? क्वेश्चन है. इट इज डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड करते हैं. ओके, इट इज डिवाइजर. एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड. जो नंबर बांटा जाता है वो डिविडेंड है. जितने टाइम्स आपको बांटना है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. और जो आपका रिमेनिंग बच जाता है वो है आपका रिमाइंडर. रिमेन मीन्स बचा हुआ, रिमाइंडर. अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन. 6 5 6. ओके, योर डिवाइजर इज 23 एंड डिविडेंड इज 656. नाउ 23 वन जा 23 एंड 23 टू जा 46. 23 3 जा 69. इफ यू डोंट नो द टेबल ऑफ 23 यू कैन मेक टेबल लाइक दिस. 23 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 आ गया. इस तरह से आप अपने टेबल बना सकते हैं. सो नाउ 23 3 जा इज 69. 69 इज ग्रेटर देन 65. तो ये से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इससे एक पीछे का नंबर लेंगे विच इज 46, जो कि क्या है, 46 है. राइट डाउन 46. और 46 कितने टाइम्स में आता है 23 में? 2 टाइम्स है. 23 2 जा. सो स्टार्ट राइट टू हियर. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, सो वील बोरो 1 फ्रॉम 6. इट नाउ इट इज 15, या 15 है. 15 माइनस 6 इज 15 माइनस 6 इज 9. ओके, नाउ हियर इज 1, क्योंकि हमने बोरो दे चुका है. एंड नाउ हियर इज 1 5 एंड 5 माइनस 4 इज 1. ओके, नाउ एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ योर सब्ट्रैक्शन, अगर आपका जो सब्ट्रैक्शन है आपके डिवाइजर से बड़ा आता है, इट मीन्स आपने गलती करी है. आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, करेक्ट करना है. ओके, नाउ नोट डाउन 6. इट इज 196 नाउ. नाउ 23 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 जा 92, 5. 23 5 जा इज 115. 23 6 जा 6 3 जा 18, 1 6 2 12 13, 138. यू कैन मेक टेबल लाइक दिस ऑल्सो. आप इस तरह से भी टेबल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम. डोंट वरी अबाउट इफ यू डोंट नो द टेबल. अगर लर्न है तो दैट्स वेरी गुड. 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14, प्लस 2 इज 16, 161. ओके, एंड सो ऑन. यू कैन कंटिन्यू इट लाइक दिस. 8 8 3 24, 4 2 8 2 16, 17 18, 184. ओके, नाउ 9 इज रिमेनिंग.
9327 to 9829 207। अब आप देखेंगे यहाँ पे 207, जैसे ही हमारा इस नंबर से ये नंबर बड़ा आता है, आई स्टॉप, हम वहाँ स्टॉप लेंगे, वी विल स्टॉप हियर। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, इससे एक पीछे वाला नंबर आप लेंगे। ओके, नाउ योर नंबर इज 184, जो कितने टाइम्स में है, 8। 23 8 is 184। नाउ सब्ट्रैक्टेड, 6 - 4 is 2, 9 - 8 is 1, एंड 0 - 0 is 1 - 1 is 0। नाउ योर रिमाइंडर इज 12, आपका नंबर फिनिश हो चुका है, इट मीन्स इट इज़ आर रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 23 से छोटा है, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन 28 एंड रिमाइंडर इज 12। अंडरस्टूड? नाउ सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Practice the remaining parts of this question in your rough notebook. Till then, bye bye, take care, have a nice day.